अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल मैंने आपसे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट सुलेमान राजी का एक स्पेशल अपडेट शेयर किया था, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने 20% लोकलाइजेशन का अनाउंसमेंट जो है वो किया है। टेक्निकल प्रोफेशंस में 20% लोकलाइजेशन जो है वो की जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको उसी वीडियो में जो है वो बता दिया था कि फिलहाल के लिए कोई लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई थी कि मतलब कौन कौन से पेशों को जो है वो 20% लोकलाइज किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में वो पेशे जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हो, प्रोफेशन आपके साथ शेयर कर रहे हो जिसको 20% लोकलाइज किया जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक लास्ट से देख लें, पसंद आने पे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर रख लीजिए ताकि 100 रुपए के तमाम तौर ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से प्रोफेशन है जिनको 20% लोकलाइज जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं ये पेशा है, एंड एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर का पोस्ट भी जो है वो 20% लोकलाइज किया जाएगा। जियोलॉजिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, एविएशन इंजीनियर्स, ऑयल इंजीनियर्स, माइन इंजीनियर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड पेशे हैं जिनको जो है वो लोकलाइज किया जाएगा। हालांकि कुल मिलाकर 117 पेशे हैं जिनको लोकलाइज किया जाएगा, लेकिन ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड पेशे हैं जिनको 20% लोकलाइज किया जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको जो है वो एक वीडियो में जो है आपसे पूछा था कि मतलब आप कौन से टेक्निकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और आपकी सैलरी कितनी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफेशन जो है वो बताए, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी की बात हो रही है तो उनकी सैलरी काफी हद तक कम, 2000-3000 रियाल तक के सैलरीज। लेकिन जो पिछला अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया था वहां पे लगभग मिनिमम 7000 की सैलरी जो है मुकर्रर की जाएगी जब इन 20% लोकलाइजेशन पे अमल किया जाएगा, मतलब गैर मुल्कियों को निकाल के सऊदी को भर्ती किया जाएगा। तो तब वहां पे इस चीज को नहीं देखा जाएगा कि मतलब गैर मुल्कियों की कितनी सैलरी मिल रही थी और अब जो है वो सऊदियों को कितनी मिलेगी। दोस्तों यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ जाए। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।